रमजान के पवित्र पावन महीने पे ये कार्यक्रम विगत 17-18 वर्षों से लगातार चल रहा है। चूँकि पिताजी की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम से और इसी दौरान उनका निधन भी हुआ था, तो उन स्मृतियाँ भी एक प्रकार से ताजी हो जाती हैं। और ठीक, रमजान के पवित्र पावन महीने पे ये कार्यक्रम विगत 17-18 वर्षों से लगातार चल रहा है। चूँकि पिताजी की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम से और इसी दौरान उनका निधन भी हुआ था, तो उन स्मृतियाँ भी एक प्रकार से ताजी हो जाती हैं। और एक बार हमें भी अपने रोजगार बंधुओं की खिदमत करने का एक अवसर भी मिल जाता है इसी बहाने, तो ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। बीच में कुछ ऐसी समस्याएं भी आई, जैसे कोरोना कार्यक्रम 2 वर्ष बड़े कठिन थे, तो ये कार्यक्रम भी उसमें प्रभावित हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी कृपा रही कि वो अनवरत चलते ही रहा। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि घर घर पहुंचाने की व्यवस्था, तो ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से समाज का सभी लोगों का सहयोग मिलता रहे। और एक चीज़ मैंने और अनुभव की कि अगर कुछ अच्छा काम करो तो ऊपर वाला भी मदद करता है। उसका उदाहरण अभी आप देखो कि पानी गिरने लगा था और मौलाना जी ने जैसे ही माइक से बोला कि आप बैठे रहो, और पानी एकदम से बंद हो गया और अपना कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। तो ये ऊपर वाले के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए, और निश्चित तौर पर वो अच्छे मार्ग दिखाता है, हमारा मार्ग भी प्रशस्त करता है। धन्यवाद आपका पूरा। अंजनी तिवारी और एक समाज सेवक के रूप में काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, यही मेरा छोटा सा परिचय है। नैनपुर नगर में जो इस पवित्र महीने में जैसा हमारे यहाँ परंपरा आदरणीय स्वर्गीय तिवारी जी ने जो नगर पालिका के अध्यक्ष दायित्व थे और उन्होंने ये परंपरा यहाँ दादी रोजा रखी है, और ऐसा कुछ अवसर भी था कि वो दिल को छोड़ने वाले विषय है कि वो ऐसे ही रोजा रफ्तार कराते हुए वो अपनी देह त्याग, और इसलिए आज भी जो है उस परंपरा को आदरणीय अंजनी तिवारी जी निभा रहे हैं। और ऐसे पवित्र महीने में रोजा रफ्तार का कार्यक्रम होता है, और यही तो एकता का एक मिसाल है। अगर हम भावनात्मक रूप से अगर जुड़ करके और धर्म के साथ साथ इंसानियत के लिए हमें क्या कैसा रहना जीना चाहिए, ये यहाँ नैनपुर नगर से सीखने को मिलता है, इस स्थल से मिलता है। आज मैं आप सबके बीच में आया, बहुत अच्छा लगा, और मेरी ओर से भी समाज के सभी भाइयों को जो है शुभकामनाएं। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।